नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन और मैं आपके सामने बैठा हूं बात करने के लिए एस्ट्रो एक्सरे पर। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति करते हैं, ये हैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। मेरी भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस बारे में जानने के लिए कि आखिर ये एस्ट्रो एक्सरे है क्या। आप टिपन देखते हैं, लोग कुंडली देखते हैं या बहुत सारी दूसरी तरीके की चीज़ें, लाल किताब और भी जो भी हो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन एस्ट्रो एक्सरे को लेकर जब भी मैंने पढ़ा या जितना भी जाना तो मेरी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि इसमें कुछ नंबरों का गुना भाग है, कुछ जादुई करिश्मा है, या ये यूँ कहूँ सीधे शब्दों में आपको कि ऊपर वाले की जब तक दुआ नहीं होगी तब तक शायद आप एस्ट्रो एक्सरे निकाल नहीं पाएंगे। तो मेरे साथ ही हैं श्रीपति त्रिपाठी, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी जैसे जैसे मुझे बताएंगे मैं वैसे वैसे ही करता जाऊंगा और आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक झलक मात्र है, पूरी बात जो है वो श्रीपति त्रिपाठी जी बताना नहीं चाहते ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पर, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स भी है, आप इसे साइंस भी कहें, ज्योतिष भी कहें, इसे आप जैसे भी समझें, लेकिन सीधे तौर पर बस मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि ये एस्ट्रो एक्सरे है क्या। मेरे साथ ही हैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, वो मुझे जैसे जैसे गाइड करेंगे मैं वैसे वैसे करूँगा और आपको बताता जाऊँगा। जी पंडित जी। जी महोदय, मैंने महसूस किया कि मैं भी पढ़ता था और देखता था कि जिनसे दिखाता था वो बोलते थे कि आप तो ठेकेदारी करेंगे, आप कुछ और करेंगे। मेरी कुंडली कुछ और करती थी, हम कुछ और करना शुरू कर दिए, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अलग से हट के, हो सकता है कुंडली आपकी गलत हो, आप जो टाइम बता रहे हैं वो ठीक नहीं हो, तो हम कैसे समझें और क्या हमारे पास वो क्या मापदंड है जिससे आप महसूस करें कि ज्योतिष को हम इतने करीब से जानते हैं। क्योंकि आज के डेट में लोग बोलता है अंक ज्योतिष कुछ होता नहीं है, अंक ज्योतिष ज्योतिष का ही एक पार्ट है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें सारे सब रहते हैं, आपका सब रहता है ना, कितना पार्ट रहता है, आपको ये सब करना होता है, उसी प्रकार उसी का एक आठ में से एक पार्ट है अंक ज्योतिष। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तब इसके बाद मैंने इसका स्टडी किया और ये मेरा बिल्कुल पेटेंट है, यह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उसका उदाहरण हम लोग अभी तुरंत शुरू कर रहे हैं। महोदय आप बिल्कुल मुझे कागज न दिखाएं, आप अपने पास ढक लें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक से लेके नौ के बीच में कोई जो है ये आप जो है चार डिजिट लिखें अपने मन से, एक से हाँ, नौ के बीच जी, कोई चार डिजिट, कोई भी चार डिजिट जी, कोई चार डिजिट। जी आप लिख लिए, उस अंक को सर क्या करना है, आप वहीं पे दिखावें उस अंक को क्या करना, आपको फिर रिवर्स लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए सर मैंने कहा कि एक दो तीन चार आप लिख लीजिए, फिर उसको रिवर्स करेंगे तो चार तीन दो एक हो जाएगा। आपने फर्स्ट बार जो ऊपर लिखा था उस रिवर्स वाले के नीचे लिख दीजिए, आप उतारिए फिर उतारिए रिवर्स वाले के नीचे। मैंने रिवर्स कर दिया। नहीं, रिवर्स के बाद जो पहली बार आपने जैसे एक दो तीन चार लिखा वो रिवर्स वाले के नीचे उतारे, पहली बार जो आप लिखे थे। ओके, आपको समझाने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, एक दो तीन चार हुआ, फिर चार तीन दो एक हुआ, और फिर ऊपर से एक दो तीन चार हुआ, फिर आप जो पहली बार जो लिखे थे उसको बिल्कुल चारों को काटते हैं एक सिरे से। अब आप नीचे वाले को घटाएं, क्या ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले को घटाएं। जी जी आप बताएं जो किए थे, माइनस तो होना नहीं चाहिए, फिर भी बताइए। जीरो तीन और नौ, नहीं आपने जो गोल किया है, क्योंकि माइनस वाला जो आप जो गोल किए वो सिक्स है क्या, आपने जो गोल किया वो देखिए तो सिक्स है। बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ दिखाएं, देखिए मैंने दोनों बार सिक्स को ही किया था, यही क्यूरियोसिटी थी जिसे मैं जानना चाहता था कि ये पूरी गणित क्या है और कैसे ये पूरा नंबर ये बता रहे हैं मुझे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये एस्ट्रो एक्सरे आपको भी बताया जाए, आपके साथ भी ऐसा, और इसी के आधार पे ये पूरा मुझे मेरी कुंडली या मेरे जीवन के बारे में कैसा
मेरा आगे होगा, ये सब मुझे बता सकते हैं? इसमें हम लोग थोड़ा सा एक और आकलन करेंगे। अब सेकंड कड़ी का है, आप यहाँ पेन अगर आपके पास नोट करें, आप दिखाएं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ महोदय कि एक से लेके 108 इसमें से कोई एक अंक आप यहाँ नोट, एक से 108 के बीच का कोई भी एक डिजिट यहाँ लिखो या यहाँ लिखो ना, नीचे यहाँ पे लिखना, आप 108 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखे, ठीक है। इसको आपने 4 लिखा तो 12 से भाग कैसे जाएगा, ये नहीं जाएगा। आप इसको पॉइंट कर देंगे, आप देख लेंगे ये 40 आ जाएगा। तो 12 चौका 48, 12 3 36, 3 यहाँ पे दीजिए जी, यहाँ पे 36 दीजिए जी, और ये जो है आप 36 लिख दीजिए सर जी, और इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए जी। ये कागज आपको रखने के लिए दिए थे, हमको मत हाँ रख लीजिए हाँ। आप 36 अब इसमें से घटाइए, 40 में 36 या कितना गया, 4 बचा, लिखा जाए 4। आप यहाँ पे सिग्नेचर करें, दो अपना हाँ? दो अपना साइन करें, दो सिग्नेचर। यहीं से स्टार्ट होता है हम लोग का एस2 एक्सरे का, क्योंकि आपका जब वो आ जाता है तो 6 का क्या मतलब है वो मेरा पुस्तक बताएगा। हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। महोदय से मैं पुनः विनम्र आग्रह करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है 3 डिजिट लाइक 000, एक प्रकार का कोई भी 3 डिजिट आप लिखें, कुछ भी जी, आप 2 डिजिट लिखे और 1 डिजिट लिखे, आप देखेंगे 3 बार 3 प्रकार का लिखे। ये लिखता है कि ज्योतिष में पुस्तक में लिखा हुआ समझने का, जैसे हम कैसे समझे कि मेरा समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो इसमें बताता है आप कि लिखता है कि प्रेक्षक से मतलब पूछने वाले से 1 से लेकर 108 के बीच में एक अंक संख्या पूछनी चाहिए, इस अंक संख्या में 12 से भाग देने पर 179 शेष बचे तो विलम्ब से कार्य सिद्धि, 8 4 5 10 शेष में कार्यनाश एवं 2 6 0 11 शेष में कार्य सिद्धि होती है। तो ये बता रहा है कि 4 बता रहा है कि अभी आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, हम लोग जो आकलन कर रहे हैं जो आप अभी पूछे टेंटेटिव बताने के लिए, तो काम जितना बेहतर होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा, वो कार्य नाश हो जा रहा है। तो आप देखेंगे जब हम लोग एक ट्रैक पे चलते हैं, मैंने ये कहा था आपको ध्यान, आपने यहाँ पे एरर कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था 3 लिखने के लिए, आपने चूंकि 0 का कोई महत्व नहीं 1 to 9 में, आपने यहाँ पे एरर कर दिया। जब मैंने दोबारा पूछा तो आपने क्या लिखा, 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 6 आ जाएगा। तो 6 को जोड़ेंगे तो आपने क्या लिखा था पहले, 6 ही लिखा, और फिर अगर हम 26 को 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आए, आप जोड़ ली। तो ऐसा जब भी आप कुछ भी लिखेंगे आप उसके इर्द गिर्द रहेंगे और वहीं आपके जीवन में आपको बेहतरी करेगा। तो आप निश्चित रूप से जाने कि आपके जीवन में वो कौन सा जो क्लिक वाला नंबर है जो आपके बंद दरवाजे को आसानी से इजी से खोल सकता है, उस नंबर को पहचानिए, एस2 एक्सरे के माध्यम से जानिए और समझिए और उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। देखिए जब इन्होंने मुझे नंबर लिखने के लिए कहा था और ऑलरेडी इनको मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, तो उसके आधार पर इन्होंने 2 नंबर को प्रेडिक्ट किया था, इन्होंने पहले ही वो नंबर बता दिया था कि देख सकते हैं आप कि कैसे वो नंबर 6 इन्होंने बताया हुआ था जो बाद में सेम नंबर निकलता है जब मैं, और इन्होंने ये पहले ही नंबर मुझे बता दिया था जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। इसको लेके इन्होंने मेरी पूरी राशिफल भी लिखी थी, ये मैं आपको खैर दिखा नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि नंबर 6 था। इन्होंने एक और नंबर प्रेडिक्ट किया था, ये नंबर 8 था, तो लेकिन जो इन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया और जिसके बारे में पूरी इन्होंने लिखी थी जब वो एस्ट्रो एक्सेस शुरू ही हो रहा था, इन्होंने ये नंबर ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके मुझे बता दिया था। तो चलिए ये था एस्ट्रो एक्सरे, अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, ये तो बस एक झलक मात्र थी जो हम आपको बता रहे थे, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी जानने की, बाकी मैं भी इसके बारे में विस्तार से और भी बातें जानूंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी से मिलिए, ये आपको विस्तार से बताएंगे, और इसी पूरी गणित आप कहें या ज्योतिष शास्त्र कहें या जो भी है, ये इसके जरिए आपकी पूरी जिंदगी को संवार देंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और ये सब मेरी क्यूरियोसिटी समाप्त की सबसे बड़ी बात थी कि मैं भी जानना चाहता था। और देखिए जो नंबर इन्होंने बताया वही सेम नंबर में था, बल्कि वही नंबर बार बार आ भी रहा था जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। थैंक यू।